हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स के बारे में। तो इसके दो मेजर एप्लीकेशन है, एक मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड, तो उसको हम कैसे करेंगे विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। ध्यान देना, विदाउट रिएक्शन को बैलेंस किए हुए मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसके लिए रफ़ी सर आपको ट्रिक्स देंगे। दूसरा, अगर रिएक्शन को हमें बैलेंस ही करना हो और क्विकली बैलेंस करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी रफ़ी सर आपको ट्रिक्स देंगे। तो ध्यान से समझना, वेरी सिंपल है ये। तो ट्रिक्स का जो पहला पॉइंट है कि वैसे क्वेश्चन जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हैं तो उसको कैसे आप करेंगे, तो वेरी सिंपल, आपको क्या निकालना है पहले इक्विवेलेंट। और ये कैसे निकालना, वेरी सिंपल, मोल सभी को निकालना आता, राइट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल को मल्टीप्लाई करना है एन फैक्टर से, किससे, एन फैक्टर से। तो यही आपके लिए नया है, एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है फॉर वन मोल, ध्यान दें वन मोल के लिए, या वन मॉलिक्यूल यू कैन से ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज क्यों लिखा, क्योंकि ये कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, बट ध्यान रहे वन मोल लेना उसका, राइट। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे एक ट्रिक है आपके लिए, एन फैक्टर आपको किसी का भी निकालना बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कैसे निकालेंगे, एरो के दोनों साइड में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ये बता रखा हूँ, और उसको चेंज देख लो कितने का चेंज हुआ। तो डेल्टा ओ एस मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, और ये समेशन का साइन है, मतलब हर एक एक आपको, जैसे यहाँ पे मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, तो मैंगनीज का भी चेंज देखना है, ऑक्सीजन का भी चेंज देखना है, और सबको ऐड कर देना है उसके चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम से, तो एन फैक्टर आ जाएगा। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे मोल से तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में चाहे वो बैलेंस हो या ना हो, इक्विवेलेंट सेम होते हैं। हर रिएक्टेंट का जो इक्विवेलेंट होगा वही प्रोडक्ट का भी इक्विवेलेंट होगा। इन एनी रिएक्शन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम, दैट मींस जितना रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट रिएक्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट फॉर्म्ड होगा, जबकि मोल में ऐसा नहीं होता है, मोल में स्टोइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए ये वाला पॉइंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम अप्लाई करेंगे। तो अब आपको रफ़ी सर अपने ट्रिक को अप्लाई करके बताते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका दो रिएक्टेंट दे दिया आपको और ये प्रोडक्ट आपको बता दिया, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, ये H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में बातें हो रही है, राइट। अगर इसके दो मोल्स लिए तो इसका कितना मोल्स, इसका कितना, इसका कितना, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो वेरी सिंपल, हमने क्या बोला, आप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ले। तो यहाँ पे क्रोमियम का यूनो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है, यहाँ ऑलरेडी दिख गया जो चार्ज होगा आयन पे वही ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे थ्री है। ऑक्सीजन का इधर भी आपका माइनस टू है, सारे ऑक्सीजन का सेवन ऑक्सीजन यहाँ पे, इधर भी ऑक्सीजन का माइनस टू है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम जनरली ऑक्सीजन को चेक नहीं करते हैं। कार्बन का यहाँ पे आप निकालोगे तो प्लस थ्री है, राइट, ऑक्सीजन का अगेन माइनस टू है, यहाँ पे कार्बन का आपका प्लस फोर है। सारे एक एक एलिमेंट का आप एरो के इस साइड वाले और एरो के उस साइड वाले का आप क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब हमें मालूम है कि इसका जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही इक्विवेलेंट इसके भी होंगे, उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा और उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा। तो इसका इक्विवेलेंट मैं निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मोल्स गिवन है। क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, पार्टिकल दे दे तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मास दे देता तो एटॉमिक या मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते, वॉल्यूम दे देता एसटीपी पे तो 22.4 से। तो एनी हाउ किसी तरह मोल तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि मोल निकालने आपको आता है। तो देखो मोल है 2 इंटू एन फैक्टर, ध्यान से देखो कैसे निकाल रहा हूँ, चूंकि हमें इसका निकालना है तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है प्लस 6 और एरो के उस साइड जाना है, सेम एलिमेंट क्रोमियम क्रोमियम 3 है, तो चेंज कितने का हुआ, 6 और 3 का चेंज 3 का हुआ, राइट, इंटू ध्यान से देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन इंटू नंबर ऑफ एटम। आप इसका ले रहे हो तो इसमें क्रोमियम के कितने एटम है, ध्यान से देखो 2 एटम है, तो इंटू 2, राइट, और होता प्लस ऑक्सीजन का भी लेना पड़ता, बट ध्यान दो ऑक्सीजन का चेंज ही 0, इधर भी माइनस 2 है, इधर भी माइनस 2 है, तो चेंज ही अगर 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, इसलिए उसका नहीं लेंगे। तो ये आपका आ गया मोल इंटू एन फैक्टर से इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट कितना हो गया ये 12, तो इसका मतलब इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा 12, इसका भी 12, इसका भी 12, ये फ़ायदा होता है। अब अगर इसका इक्विवेलेंट हमें मालूम है 12, तो वो क्या होगा, मोल जो नहीं मालूम है इंटू
एन फैक्टर, अब ध्यान दे एन फैक्टर अब इसका लेना राइट, क्योंकि जिसका निकाल रहा है उसका एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कैसे लेंगे, चेंज थ्री से कार्बन फोर में जा रहा है, चेंज हुआ वन का इंटू नंबर ऑफ एटम कितने है दो, तो यहाँ से एक्स कितना जाएगा सिक्स, डैट मीन्स इसके कितने मोल रिक्वायर्ड थे सिक्स मोल, तो ये निकल गया। वैसे सपोज करो मुझे इसका निकालना है तो ये क्या रहेगा, ट्वेल्व इज इक्वल टू मोल नहीं मालूम है वाई इंटू एन फैक्टर, देखो चेंज तो सेम ही रहेगा चाहे इधर से या इधर से निकालो, चेंज ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो थ्री से सिक्स का चेंज थ्री का हुआ इंटू नंबर ऑफ एटम, इसके एटम कितने हैं एक ही दिखाएं तो एक, बस ये ध्यान रखना जिसका निकाल रहा उसी का लेना है राइट। तो यहाँ से आपका वाई कितना आ जाएगा फोर मोल, तो इसके कितने हो जाते हैं फोर मोल। अगर मान लो मुझे CO2 का निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ट्वेल्व इज इक्वल टू उसके मोल नहीं मालूम है जेड इंटू एन फैक्टर, ध्यान से देखो अगेन कैसे, चेंज फोर से थ्री का कार्बन से कार्बन का तो वन हो गया चेंज, इंटू नंबर ऑफ एटम यहाँ पे एटम कार्बन के एक ही हैं तो एक होंगे, और प्लस ऑक्सीजन का भी होता बट यहाँ पे ऑक्सीजन का इधर भी माइनस टू इधर भी माइनस टू राइट, तो चेंज ही जीरो इसलिए वो जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया समेसन राइट। तो आप कैसे निकालते, अगर एक से ज़्यादा एटम का चेंज होता है तो चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम प्लस चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम एंड सो ऑन राइट। तो ये आपका यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो तो 12, तो इसका मतलब इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे 6 मोल, इसके कितने रिक्वायर्ड होते हैं 4 और इसके कितने रिक्वायर्ड होते हैं 12। तो देखो विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन हम ऐसे करते हैं, तो ये एक एग्जांपल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, अब इस पर बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप ईजिली कर लोगे। नाउ कुछ नॉन इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी डी ब्लॉक में बता भी रखा हूँ मैं कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा और ये तीनों मीडियम में वर्क करता है, एसिडिक मीडियम कहीं पे भी मेंशन कर दिया तो मैंगनीज प्लस सेवन से प्लस टू में आ जाता है, ये ध्यान रखना आपको राइट, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा। अगर न्यूट्रल या फेंटली एल्काइन मीडियम है तो प्लस सेवन से प्लस फोर में आ जाता है, या MnO2 लिख सकते हो, और अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो प्लस सेवन से प्लस सिक्स में आता है राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एसिडिक मीडियम में ये टू में आ गया, तो चेंज कितने आ गया सेवन से टू गया तो फाइव, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एन फैक्टर यू कैन से वो कितना हो जाएगा आपका फाइव एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में थ्री और बेसिक मीडियम में वन, तो ये ध्यान रखना है इसके लिए। और जो Cr2O7-2 है डाइक्रोमेट वाले, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में वर्क करते हैं एसिडिक मीडियम में, और ये खुद किस में आ जाएंगे प्लस थ्री में, तो ये आपको याद रखना है ध्यान में रखना है। बाकी का क्या होगा सर, तो बाकी का वेरी सिंपल है, जनरली ध्यान दो 99% क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो एक का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से देखो कार्बन प्लस थ्री है तो इसका प्लस फोर में ले आना है, तो चेंज तो एक इलेक्ट्रॉन का लेकिन एटम दो है तो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया राइट। यहाँ पे जहाँ पे भी आयरन प्लस टू में है तो अस लग जाएगा फेरस, तो फेरिक में ले जाना, चूंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। सल्फर माइनस टू से जीरो में दो इलेक्ट्रॉन का हो गया, एसओ थ्री टू माइनस में सल्फर प्लस फोर में तो प्लस सिक्स में सल्फेट में ले आना है, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है ध्यान से देखो। जहाँ पे हेलोजन माइनस वन में है तो जीरो में, तो चेंज तो एक का हो लेकिन अगेन एटम देखो दो हो गए, क्योंकि कभी भी एक्स हेलोजन एक्स फॉर्म में नहीं रहेगा एक्स टू में लाइक Cl2Br2 राइट, तो इस तरीके से तो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। NO2 माइनस नाइट्रोजन प्लस थ्री में तो प्लस फाइव में आ जाएगा, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन का, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ जनरली दो इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रहे कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अदर को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उससे लो से कम होना चाहिए, जैसे कहीं पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अगर KMnO4 की रिएक्शन SO4-2 से कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैग्नीज भी हाईएस्ट में राइट, और सल्फर भी यहाँ पे हाईएस्ट में, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा ये, तो ऐसे केस में रिएक्शन नहीं होगी। नाउ एक और एग्जांपल हमने लिया है KMnO4 की रिएक्शन और ये Fe C2O4 से एसिडिक मीडियम में, इसके दो मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स होंगे। अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट भी नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो KMnO4 एसिडिक मीडियम है तो आपको क्या करना है, मैंगनीज को कहाँ ले जाना है प्लस टू में, बस ऐसे कर देना, उसके साथ क्या लगा होगा उसका टेंशन नहीं लेना आपको राइट, ऑलरेडी दुनिया में बहुत टेंशन है राइट। तो ये मैंगनीज के बारे में हो गया, ऑक्सीजन का कभी भी कुछ नहीं होता राइट, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे ध्यान दो आयरन प्लस टू में, और आयरन प्लस टू में होगा तो कहाँ ले जाना है प्लस थ्री में, तो आयरन प्लस थ्री में चला जाएगा, बस आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन भी आपका प्लस थ्री में है तो वो कहाँ चला जाएगा प्लस फोर, मतलब CO2 राइट,
ये आपको कर लेना है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, मोल इनटू एन फैक्टर, ये 7 से 2 में गया, चेंज हो गया 5 का और एटम इसका एक ही है। पोटेशियम का कुछ नहीं होगा, दोनों साइड सेम रहेंगे, ऑक्सीजन का भी कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, इसलिए नहीं लिया, राइट। तो कितने हो गए 10, तो इसका मतलब इसका भी कितना इक्विवेलेंट होगा 10, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल जो निकालना है इनटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एन फैक्टर में अगर आयरन की बात करूँ तो 2 से ये 3 में जा रहा है, तो राइट चेंज 1 का और एटम भी इसका एक ही है, तो एक किया प्लस, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का भी चेंज हो रहा है, कार्बन का कितना है 3 से जा रहा है 4 में, राइट। तो चेंज इसका भी 1 इंटू नंबर ऑफ एटम, ध्यान दे 2, ऑक्सीजन का दोनों तरफ चेंज नहीं होता इसलिए ऐसे ही रहने दिया, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3 हो गया, तो x कितना हो जाएगा 10/3 मोल्स। तो देखो इस टाइप से मोल आ गए, तो मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, राइट, जो पूछना हो, एटम, कुछ भी पूछ ले तो आप बता सकते हो। तो ये 2 प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि सफिशियंट है आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। नाउ किसी रिडॉक्स रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करेंगे, उसके लिए वेरी सिंपल ट्रिक है। तो ट्रिक का पॉइंट ध्यान से समझ लें, पहले आपको क्या करना है, सेपरेट कर देना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। उसके बाद सेकेंड केस में यही प्रोसीजर फॉलो करना है, बैलेंस कर देना है सारे आइटम को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरे केस में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर सकते हो। चौथे में बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस। पांचवें में चार्ज को बैलेंस करना है वाया एडिंग इलेक्ट्रॉन। एंड छठे केस में आपको दोनों ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैंगनीज +7 से इधर +2 में, तो ये रिडक्शन हो रहा है। कार्बन +3 से +4 में, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप क्या करें, दोनों रिएक्शन को सेपरेट कर लें। पहला पॉइंट तो एक हो गया मेरा, ध्यान से देखो MnO4- से Mn+2, ये सेपरेट करने का मतलब हुआ। दूसरा मेरा क्या हो गया, C2O4- से CO2, पहला केस हो गया, इजी है, राइट, पहचान लोगे। बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं। मैंगनीज एक ऑलरेडी बैलेंस है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। इधर में कार्बन 2 है, एक ही है, तो यहाँ पे 2 कार्बन कर देना है, तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी नहीं करना है। तीसरे केस में ऑक्सीजन को करना है कैसे, वाटर ऐड करके। यहाँ पे कितना है 4 ऑक्सीजन, तो इधर कम है, तो यहाँ पे 4 वाटर आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 है, ऑलरेडी 2 to the 4 हो चुका है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो हो गया ख़त्म। उसके बाद बैलेंस हाइड्रोजन बाय H प्लस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इधर कितने हो गए 8, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 8 H प्लस करना पड़ेगा। इधर में ध्यान से देखो, हाइड्रोजन है नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये बैलेंस हो गया। उसके बाद बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से देखो तो इधर कितना हो गया 8 प्लस का हो गया, राइट, और एक माइनस, +7 है इधर टोटल, और इधर कितना है +2 है, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। कैसे, 7 में से 5 जाएगा, तो चूंकि माइनस है तो 2 बैलेंस हो जाएंगे। इधर में ध्यान से देखो -2 है, इधर है ही नहीं, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो -2 -2, वेरी सिंपल है, ये हो गया। उसके बाद छठा पॉइंट क्या कह रहा है, ऐड सजा इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, इधर 2 हैं इधर 5 हैं, तो इस पूरी रिएक्शन को आप क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस रिएक्शन को किस से, 5 से, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेम होंगे तभी कैंसिल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 16H+, राइट, एरो के इस साइड वाले को इधर ही रह देना, +2 MnO4- प्लस ये 10 इलेक्ट्रॉन, एरो के इस साइड में 2 से सम में मल्टीप्लाई होगा, 2 Mn+2 और 8H2O, ये एक हो गया। इधर आप 5 से करोगे तो 5C2O4-2 गिव्स यू 5 to the 10 CO2 +10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि ये एरो के इस साइड में और ये एरो के इस साइड में, तो बस एक साइड वाले को एक साइड में लिख दो, एरो के उस साइड वाले को उस साइड में, तो कितना हो गया, ध्यान से देखो 16H+2 MnO4- एरो के इस साइड वाले, इधर 5C2O4-2 गिव्स यू, इधर वाले में 2 Mn+2, ये 10 CO2 प्लस इधर बच गया 8H2O। तो आप क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता बेटा समझना, ये तो आपने बैलेंस कर लिया, आप क्या कर सकता है कि अननोन कर सकता है कि H प्लस कितना चाहिए, X Y Z करके सम बताओ, राइट, इस टाइप से कुछ ही पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो ट्रिक का एक और पॉइंट है वो ध्यान देना है कि आपको ये सब कोफिशियंट पहले से भी पता लग सकता है, इतना करने की जरूरत नहीं। कैसे, ध्यान से देखो, मैंगनीज +7 से
प्लस टू में आया, डैट मीन्स फाइव का चेंज है। तो इसका जो भी चेंजेज होगा, यहाँ सेवन था, यहाँ टू, फाइव का चेंजेज है, तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होता है। ध्यान से देखो, क्रॉस में करना था इसलिए इधर फाइव करना पड़ा मेरे को, राइट। और ध्यान से देखो, कार्बन का क्या हो गया, कितना से कितना है, प्लस थ्री से प्लस फोर में, तो चेंज कितने का होगा, वन का, राइट। तो हमें, और चूंकि यहाँ पे ध्यान देना, तो वन का तो हुआ लेकिन एटम कितने कार्बन के, दो, तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो इसलिए मुझे इधर कितना करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, टू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका जो चेंज होगा वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका चेंज इसमें, तो इससे भी हम क्विकली ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड, आप बिना ये सब किए हुए कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो रफी सर कैसे थिंक कर रहे हैं। ऐसे आपको दे दिया, ये है, ये एक्स है अननोन, ये सिक्स दे दिया ऑलरेडी, ये वाई अननोन, ये सिक्स दे दिया, ये जेड अननोन, तो एक्स वाई जेड का सम बताओ। क्विकली कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, विदाउट डूइंग दिस, कैसे, ध्यान से देखो, क्रोमियम यहाँ पे कितना में, प्लस सिक्स में, यहाँ पे कितना गया, थ्री में, राइट। तो चेंज कितने का हो गया, तीन का, लेकिन एक क्रोमियम का चेंज तीन का हो, यहाँ पे दो क्रोमियम है, तो चेंज कितना हो गया, सिक्स का, राइट। तो ध्यान रहे, सिक्स इलेक्ट्रॉन हमारा चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सिक्स आया, राइट। तो इसका हो गया, आयरन का ध्यान से देखो तो क्या हो गया, प्लस टू से प्लस थ्री में, राइट। तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है, दो, तो यहाँ पे वाई की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो, तभी क्रोमियम बैलेंस होंगे। और इसका टू से थ्री में चेंज एक का हुआ, इसलिए इधर एक से ही मल्टीप्लाई होगा, राइट। नाउ एच प्लस की बारी है, तो ध्यान से देखो, इधर हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, सेवन, राइट। और इधर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब जेड को कितना होना पड़ेगा, सेवन, तभी ऑक्सीजन बैलेंस होंगे, राइट। तो सेवन हो गया एच टू ओ, तो हाइड्रोजन कितना हो गया इधर, ध्यान से देखो, फोर्टीन, और इधर था ही नहीं, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा, फोर्टीन। तो समझते हुए चलो, तो तुम्हारा एक्स आ चुका कि नहीं, एक्स कितना था, फोर्टीन, वाई आ गया कि नहीं, कितना, दो, और जेड आ गया कि नहीं, कितना, सेवन, तो कितना हो गया आंसर, ट्वेंटी थ्री, विदाउट बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर टू में, टू आई ओ थ्री माइनस एक्स आई माइनस ट्वेल्व एच प्लस गिव यू सिक्स आई टू प्लस सिक्स एच टू एक्स बताना है। तो ध्यान से देखो, विदाउट सेपरेट आप कैसे कर सकते हो, एक तो सेपरेट करके कर ही सकते हो, उसमें टाइम जाएगा, कैसे करेंगे, यहाँ पे आयोडीन का देखो ध्यान से, प्लस फाइव में, और इस साइड ये किस में, जीरो में, तो चेंज कितने का हो गया, फाइव का। बट ध्यान रहे, आयोडीन का आइटम कितना, इधर देखो तो दो, या इधर भी दो, तो एक आइटम का चेंज फाइव है, दो आइटम का कितना होगा, दस, तो इधर दस का जो चेंज हुआ वो हमने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करना इधर, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगी आपको, टेन। अगर मान लो इधर का चेक करना, तो आई माइनस वन से जीरो में गया, तो चेंज कितने का हुआ, वन का, बट आइटम कितने है, दो, इसलिए ध्यान से देखो ये दो आया, राइट। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये माइनस वन से जीरो एक आइटम का, दो आइटम बना है तो, राइट, तो दो का, तो इसलिए ये दो करना है। वैसे भी आप देख सकते हो, दो ये हो गए और दस ये हो गए, तो बारह हो गया आयोडीन, तो इसलिए सिक्स टू द ट्वेल्व, तो ये बैलेंस है, राइट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, सिक्स ऑक्सीजन, तो टू थ्री द सिक्स ऑक्सीजन, वो भी हो गया, सिक्स टू द ट्वेल्व हाइड्रोजन, ये भी ट्वेल्व एच प्लस हो गए, तो राइट। तो देखो डायरेक्ट हमने एक्स को कर दिया। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको क्लियर होगा, मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लिया बेटा, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आप कर सकते हो। ये एक ऐसी ट्रिक है बेटा, जिससे आप इजीली इस टाइप के किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। तो अब आप सारे पीवाईक्यू को कर लेना, आई होप आपसे सब हो जाएंगे। थैंक यू।